दोस्तों, हवा की विशाल मात्रा में जो तेजी से गोल गोल घूमने पर उत्पन्न को ही बाउंडर कहा जाता है। यह सभी जानते हैं कि मौसम प्रभावी रूप से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है, लेकिन पृथ्वी भौगोलिक रूप से दो गोलार्ध में उत्पन्न इस तरह के तूफानों को हरिकेन या टाइफून का नाम देती है। में हवा का घूर्णन घड़ी की सुइयों को विपरीत दिशा में एक वृत्ताकार यानी गोलाकार के रूप में होता है। जब बहुत तेज हवाओं वाले इस उग्र आधी तूफान अपने साथ मूसलाधार वर्षा लाते हैं तो उन्हें हरिकेन कहते हैं, जबकि भारत के कुछ हिस्सों में दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें चक्रवात या साइक्लोन का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों, इस तरफ हवा का घुमाव घड़ी की दिशा में वृत्ताकार यानी गोलाकार है। किसी भी अधड़ को चक्रवाती तूफान की श्रेणी में तब गिना जाता है जब उसकी गति कम से कम 74 मील प्रति घंटे हो जाती है। यह बवंडर कई परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता वाले होते हैं। धरती अपने अक्ष पर घूमने से सीधा जुड़ा है। चक्रवर्ती तूफानों का उठना भूमध्य के रेखा नज़दीकी जिन समुद्रों में पानी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का होता है, वहां इस तरह के चक्रवाते अपने आप उठने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी बात क्या है, इस बवंडर क्यों आता है, कैसे आता है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे अमेजिंग फैक्ट और कुछ जानकारियाँ वीडियो देते रहते हैं। चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं क्या है पूरी कहानी। समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होती है तो तेजी से ऊपर की ओर उठती है। बहुत तेज गति से हवा के उठने से नीचे कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाता है, यानी नीचे जो क्षेत्र दबाव होता है वो एकाएक बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है उसका। तो इस तरह कम दबाव के क्षेत्र के कारण वहाँ एक शून्य या खालीपन पैदा हो जाता है। इस तरह खालीपन को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा तेजी से झपटती है, यानी कि एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और इस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह गोल गोल घूमती रहती है। हवा का रुख पहले अंदर की ओर मुड़ जाता है और फिर हवा तेजी घूर्णन करती हुई तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती है। इस तरह हवा की गति तेज होने पर नीचे से ऊपर बहुत तेज गति से हवा की ओर घूमती है और एक बड़ा घेरा बना लेती है, जिसे हम बवंडर का नाम देते हैं। दोस्तों, घेरा कई बार 2000 किलोमीटर के दायरे तक विस्तार या फैल जाता है। इस तरह के उठे बवंडर के केंद्र को उसकी आंख कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है जब ऊपर उठती गर्म हवा समुद्र से नमी को लेकर साथ उड़ती हैं, इन पर धूल के कण भी जम जाते हैं। दोस्तों, ये बवंडर कितना खतरनाक है आप इस पूरी वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए कि बवंडर जब भी इंसान की आंखों के सामने आता है तो इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और इस तरह हवा संघनित होकर गर्जन मेघ का निर्माण होता है। तब ये गर्जन मेघ अपना वजन नहीं संभाल पाते हैं तो वे भारी बरसात के रूप में धरती पर गिरते हैं, जिन्हें हम भारी वर्षा का नाम भी देते हैं, जिसे मानसून भी कहते हैं। दरअसल चक्रवात की आंख के इर्द गिर्द 20 से 30 किलोमीटर की गर्जन मेघ की एक दीवार से खड़ी हो जाती है दोस्तों, और इस चक्रवाती आंख के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हवाओं का वेग 200 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है, अगर आप कल्पना करें कि एक पूरी तरह से विकसित चक्रवात एक सेकेंड में 20 लाख टन वायु राशि खींच लेता है, दोस्तों ये हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, इतनी हवा एक साथ इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है आम जीवन में देखने के लिए। तरह के बवंडर के कारण संपत्ति और इंसान को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, साथ ही लंबे समय तक इस पर्यावरण को भी काफ़ी प्रभावित करता है। बरसात के कारण बन गए दलदली क्षेत्र, आधी से उजड़ गए वन, हरियाली से जानवरों को भी हानि होती है। वनों और पेड़ों को संपूर्ण रूप से पानी को या फल खाने को एक दशक तक लग जाते हैं, वो पलक झपकते ही ये सब बवंडर के नमस्त नाबूद कर देता है बवंडर। लेकिन केवल हम ऐसे तूफानों को पूर्वानुमान से महज जनहानि से ही बचा सकते हैं, लेकिन तटीय सुरक्षा कछुए जो होते हैं उन्हें पहले से ज्ञान हो जाता है।
आने वाले कुछ घंटों में समुद्र से ऊंची लहरें उठेंगी, वे झट तुरंत अपनी सुरक्षा में लग जाते हैं और एक सुरक्षित ओर की ओर अपना रास्ता निकाल लेते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों।